अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे बटरफ्लाई इंग्लिश बुक वन। द नेम ऑफ द स्टोरी इज फ्रेंड्स। अहमद हैज अ शीप। अहमद के पास एक शीप है। शीप लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। शीप फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करती है। Sheep says to Ahmed, "Please play football with me." Sheep Ahmed ko kehti hai, "Please mere saath football khelo." Ahmed is in front of a tree. Ahmed ek darakht ke samne hai. He is smelling flowers. Wo फूलों को सूंघ रहे हैं। अहमद रिप्लाइज। अहमद ने जवाब दिया, सॉरी आई एम बिजी। सॉरी मैं तो बिजी हूँ। शीप पुशेस अहमद विद इट्स हेड। अहमद को शीप ने गिरा दिया अपने सर से। अहमद फॉल्स। अहमद गिर गए। Sheep runs away. और शीप भाग गई। Sheep goes to owl and says, "Play with me." Sheep owl के पास जाती है और कहती है, मेरे साथ खेलो। Owl replies, "I am folding a bed sheet. I have to tidy up. I cannot play with you." Owl जवाब देता है, मैं चादरें तय कर रहा हूँ, मुझे सफाई करनी है, मेरे पास वक्त नहीं है खेलने का। Sheep pushes owl. Sheep उल्लू को धक्का देता है। Owl falls. उल्लू गिर जाता है। Sheep runs away. Sheep भाग जाती है। Sheep goes to butterfly and says, "Play with me." Sheep butterfly के पास जाती है और कहती है, मेरे साथ खेलो। Butterfly says, "I am reading a newspaper, but I can do that later. Let's play now." Butterfly कहती है, मैं तो अभी अखबार पढ़ रही हूँ, मगर ये मैं बाद में भी कर सकती हूँ, अभी खेलते हैं। Butterfly calls the friends. Butterfly सारे दोस्तों को बुलाती है। Butterfly and friends play football with the sheep. Butterfly और सारे दोस्त फुटबॉल खेलते हैं शीप के साथ। अब ये बुक आपने देखी, इसमें अब आप मुझे ये बताइएगा, अहमद कहाँ खड़े हुए थे, क्या कर रहे थे, कपड़े कौन तय कर रहा था, और आप ये भी बताइएगा वो कौन था जिसने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा करके फुटबॉल खेली, ये बताइए। और अगर आप चाहते हो तो इंग्लिश में किसी भी पेपर पे लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।